पिपरिया में बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन कांग्रेस को सीएम फेस तय करना है। हमारे सहयोगी आलोक हरदनिया ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। आखिर किसकी बनेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस? इस समय इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। आइए, देश की सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। भोपाल से मुख्य वक्ता के रूप में पधारे रजनीश अग्रवाल जी से बात कर लेते हैं, प्रदेश के मंत्री हैं। भाई साहब, 23 की तकरार, किसकी बनने जा रही सरकार? मैंने मंच से कह दिया और आपसे भी कह दिया कि वीडियो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जोरदार बहुमत के साथ केवल और केवल भाजपा सरकार। बिंद हो, बुंदेलखंड हो, मालवा हो, निमाड़ हो, भारतीय जनता पार्टी को लगातार नेता बाय बाय क्यों कर रहे हैं? कोई बाय बाय नहीं कर रहा। भाजपा में तो लोग ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग लिखते हैं और बताते हैं कि भाजपा में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, और ये बात हो रही, इसलिए चाहे बिंद हो, चाहे महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, मालवा हो, निमाड़ हो या मध्य भारत हो, हर तरफ केवल भाजपा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। आप लगातार देख रहे हैं राजकुमार घनौरा जी, दतिया से नायक जी, लगातार बड़े बड़े नेता, कटनी से बात कर लें, आपकी पूर्व विधायक अलका जैन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेता असंतुष्ट क्यों है? पहली बात, थोड़ा सा आप संशोधन करें, अलका जैन जी भाजपा में नहीं है, संपर्क में, संपर्क में नहीं, भाजपा में ही है। और एक बात जरा तसल्ली से बैठ के, आप पत्रकार को भी उससे मेरा निवेदन है कि हिसाब लगा लें, कितने आए और कौन गए। मैंने कितने गए नहीं कह रहा हूँ, कौन गए, हिसाब आप लगा लें। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है अपनी पार्टी चुनने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम पर तो ये आरोप है कि बाहर के लोग कांग्रेस से और बाकी दीगर पार्टियों से भाजपा में ज्यादा आ रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा ओबीसी मोर्चा के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टियों की बात नहीं सुन रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, ये नारायण सिंह जी ने आपसे कहा होगा, पार्टी से नहीं, तो ये सार्वजनिक कार्यक्रम में कह रहे हैं, तो पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया। मैंने कहा ना कि पार्टी से नहीं कहा, ये आपसे कहा होगा। कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? अब की बार 200 पार, पिछली बार भी 2018 में भी 200 पार करा। गलती हो गई कि धोखे और भ्रम में जनता आ गई थी, तो जनता ने सुधार ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4-4, 5-5 लाख से भाजपा के लोकसभा के सांसदों को जिताने का काम किया। चिरंजीव नकुलनाथ जी भी निपट जाते, चुनाव हार जाते, वो भी हारते हारते बच पाए। सेंट्रल ने पूरी कमान अपने हाथ में लेकर रखी है प्रदेश के चुनाव की। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कमान जिसके पास में होती है वही रहती है, यहाँ कमान कार्यकर्ताओं के पास में थी, है और रहेगी। कांग्रेस में तो कमान एक खानदान के पास में है। सीएम का फेस कौन है बताइए? कमल का फूल। तो सिंधिया जी या शिवराज जी के फेस पर चुनाव? कमल का फूल, केवल ईवीएम पर कमल का फूल दबाना है। मैंने कहा ना, हमारा विधायक कैसा हो, कमल का फूल फेस की। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, फेस वो तय करें, हमारे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, कोई कंफ्यूजन आपको है? मुख्यमंत्री है तो हमारा फेस तो तय है। चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी, जो कि 2023 के चुनाव में 200 पार की जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल, देखने वाली बात अब ये होगी कि दिक्की नाथ की जोड़ी करेगी कमाल या बीजेपी के चाणक्य मचाएंगे धमाल। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया, अनादि टीवी, नर्मदापुर।